मैं ऑफिस जा रही हूँ, गेट लगा लेना। 3,000 रुपए देना मुझे, घर में राशन भरवाना है। ठीक है, देती हूँ। लो। मैं चलती हूँ। मैडम आपका पार्सल। मेरा पार्सल किस नाम से है? यश चौधरी। अरे आ गया, ये मैंने मंगवाया था। एक काम करना, तुम ना इसको पैसे दे देना। कितने पैसे हुए? मैम 5,000। क्या 5,000 रुपये? अच्छा सुनो, 2,000-3,000 रुपये देना यार। क्यों, अब तुम्हें 2,000-3,000 रुपये क्यों चाहिए? अभी कल ही तो मैंने तुम्हें दिए थे ना 3,000 रुपये राशन के लिए। अरे वो क्या है ना यार, दोस्तों के साथ ना मूवी देखने के लिए जाना है, तो दे दो यार। ये लो कार्ड, और ध्यान से यूज करना, मेरे पास कैश नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। कितनी अच्छी लग रही है। अरे आ गई तुम, ये देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाया हूँ। मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मन मर्जी का कुछ भी शॉपिंग करके लेकर आओगे। कुछ भी नहीं लाया हूँ, ये सारी तो काम की चीज है, सारे मेरे काम के कपड़े हैं। तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें एटलीस्ट मुझे कॉल करके पूछ लेना चाहिए? इसमें पूछने की क्या जरूरत है, अब मैं अपनी मर्जी से शॉपिंग भी नहीं कर सकता। देखो अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ना तुमसे ये बात पहले भी कहना चाहती थी, लेकिन अब जो तुम्हारे ये ढंग चल रहे ना, इसके बाद तो मजबूर होके आज मुझे तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी। क्या क्या बात कहनी पड़ेगी? देखो तुम्हारे पास तो कोई ढंग की जॉब वगैरह है नहीं, तुम क्या करते हो, घर में बैठे रहते हो और सिर्फ मेरा पैसा उड़ाते हो। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा पैसा प्लीज उड़ाना बंद कर दो। पैसे उड़ाता नहीं हूँ मैं, जहाँ जरूरत होती है ना वहीं खर्च करता हूँ मैं, और ये सारी ना काम की चीजें लेके आया हूँ मैं। अच्छा तो वो 5,000 रुपए का वॉलेट मंगाना जरूरी था, और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना भी जरूरी था तुम्हारे लिए? हाँ तो क्या करूँ मैं, पूरे दिन घर पे बैठ के क्या करूँ, अब अपनी लाइफ भी एंजॉय ना करूँ मैं। तुम ना जाके काम ढूंढो, मेरे पैसों को यूं आग लगाना ना छोड़ दो, बंद कर दो इसे। अरे नहीं मिल रही है जॉब, 4 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं, नहीं बन रही है कहीं भी बात। और अगर जॉब मिल रही होती ना तो ऐसे घर पे बैठा नहीं होता मैं, और ये क्या मेरे पैसे लगा रखा है। बीवी हो तुम मेरी, और मेरा भी हक है तुम्हारे पैसों पर, आई बात समझ में? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें पता है आजकल के जमाने में ना पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ पता है, मैं भी ना घर पे खाली नहीं बैठता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ, पोछा लगाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, खाना बनाता हूँ। तुम्हें ये घर के काम करने से ना ये राइट नहीं मिल जाता है कि तुम मेरा पैसा लेके जहाँ मर्जी उड़ाओ? और जब तुम ये सब करती थी तब क्या क्या बोलना चाहते हो तुम, और मतलब क्या है तुम्हारा, साफ बोलो। मतलब ये कि जब मैं काम करता था, मैं जॉब करता था, और तुम घर पर रहती थी, शॉपिंग करती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी, मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पैसों में आग लगा रही हो, और आज तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली, तुम मुझे उसके लिए इतना सुना रही हो। अरे मैं भी तो जॉब करता था, मैंने तो तुम्हें तब किसी काम से नहीं रोका करने से।
तुम मूवी पे जाओ, किट्टी पार्टी पे जाओ, शॉपिंग पे जाओ, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं रोका। लेकिन मैंने जॉब करनी क्या छोड़ दी, उसके लिए तुमने मुझे इतना सब सुना दिया, और सिर्फ एक दो बार पैसे मांगे होंगे मैंने तुमसे। और देखो कहाँ तक आ गई ये बात, और क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हारे पैसों में आग लगाई है। सही है, सही कहते हैं लोग, जब आदमी पैसे कमाता है ना तो पूरे घर के लिए पैसे कमाता है, लेकिन जब औरत कमाती है ना तो वो सिर्फ खुद के लिए कमाती है। मुझे भी ना तुम्हें रोकना चाहिए था, ये सब फालतू के खर्चे करने से ना तुम्हें रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था तुम्हें। मैं भी अपनी मर्जी से अपने पैसे बचाता, क्यों खर्च करता तुम्हारे ऊपर। मुझे ना अपने परिवार वालों को भी ये बोलना चाहिए था कि मेरे पैसों को फिजूल में खर्च करना बंद करें, आग लगाना बंद करें मेरे पैसों में, ये शॉपिंग करना, ये किट्टी पार्टी करना, ये सब बंद करें, क्योंकि जो भी इसमें खर्चा हो रहा है वो पैसे तो मेरे हैं, मैं कमा कर लाया, उस पर मेरा हक है, ना कि किसी और का। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं तो मार दूं। तुम्हें पता है इन सब में सबसे बुरी बात क्या है, कि आदमी अगर पैसा कमाना बंद कर दे ना तो उसके घर में भी इज्जत कम हो जाती है, समाज में भी इज्जत कम हो जाती है।